सीएम योगी के अंदाज में दिखे सीएम थमी। इसमें बड़ा एक्शन जो है इस पर एक पार्टियों को सस्पेंड ही कर दीजिए और इनकी जो भी लोग नहीं आए उनकी सैलरी रोक दीजिए। जैसे योगी का एक्शन वैसे धामी का धमाल। पूछा कहाँ है अधिकारी, नहीं मिले तो कर दिया सस्पेंड। 15 मिनट में नहीं आते तो 15 मिनट में सस्पेंड करो। जाना था कहीं, गाड़ी सीएम साहब की पहुंच गई कहीं। ये तस्वीरें कहाँ की हैं, कब की हैं और इन तस्वीरों में उत्तराखंड के सीएम धामी गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? क्या हुआ ऐसा कि अधिकारी को सस्पेंड कर दिया लगे हाथ और कर्मचारियों की सैलरी को रोकने का आदेश दे दिया? सब बताएंगे आपको, मगर उससे पहले यूपी के सीएम योगी का जिक्र यहाँ जरूरी हो जाता है, क्योंकि धामी के इस रिएक्शन को सीएम योगी के एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। यकीन नहीं आता तो याद कीजिए ये पुरानी तस्वीरें, जब सीएम योगी एक दौरे के दौरान पहुंचे तो डीएम से लेकर एसडीएम दौड़ लगाते हुए दिखाई दिए, हाफते हाफते अधिकारी विकास कार्यों का सबूत दे रहे थे। याद कीजिए, याद आएगा आपको। पुलिस जो एसपी एसएसपी हैं उनके अंतर्गत नहीं, उनके अंतर्गत है, वो दिन में कहाँ काम करेंगे, किधर जाएंगे, ये तो वो तय करते हैं। हाँ, लेकिन उनको कहाँ भेजना है, कौन आता है, उसमें है वहाँ पे नियुक्त है, क्या करता है वो, किसके अंतर्गत, किसके अंदर कहाँ से वो आया है, वो जिले से ही आया, जिले से फोर्स दे दिया गया, जिले से फोर्स दिया गया, जिले से फोर्स दे करके उसको ट्रेनिंग दी गई है, ट्रेनिंग दे करके उन गाड़ियों में उनको बैठाया गया है, प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं। लखनऊ में कितनी ऐसी हैं 100 नंबर की कप्पा? 63 सर, उसके बाद 7 और बढ़ गई 70। वैसे भी ये पूरा यूपी जानता है कि सीएम योगी अपने दौरे के दौरान कब कहां किस अस्पताल विभाग स्कूल यूनिवर्सिटी बस अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंच जाएंगे और अपने काफिले को किस और किस दिशा में मोड़ देंगे, ये तो उनके साथ मौजूद अधिकारियों को भी इसकी भनक नहीं होती। और इसका नतीजा ये होता है कि जिस जनपद में सीएम योगी का दौरा होता है वहाँ अधिकारियों की रातों की नींद उड़ जाती है और दिन का चैन खत्म हो जाता है, सारी की सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो जाती हैं। खैर, अब आते हैं उत्तराखंड के सीएम धामी के एक्शन पर। पहले तस्वीरें देखिए। दस बजे ठीक यहाँ आ गया ऑर्डर ऑफिस में ना, ये मैंने आपसे बोला भी था कि ये कुछ शिकायत वगैरह आ रही है, तो यहाँ देख रहा हूँ कि 80% लोग यहाँ ऑफिस में है नहीं आरटीओ ऑफिस में। तारीख 18 मई 2022, दिन बुधवार, वक्त सुबह के करीब 10 बज रहे थे, जगह आरटीओ कार्यालय देहरादून राजपुर रोड की। अचानक सीएम के काफिले का सायरन बजने लगता है, देखते ही देखते पूरे के पूरे आरटीओ में खलबली मच जाती है। इससे पहले कि कोई समझ पाता, उससे पहले सीएम धामी को देखकर आरटीओ के छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। सीएम एक के बाद एक आरटीओ कार्यालय में तमाम कैबिन में पहुँचते हैं, अटेंडेंस का रजिस्टर चेक करते हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं और जब जैसे ही आरटीओ के अटेंडेंस का रजिस्टर वो चेक करते हुए देखते हैं, वो वैसे ही गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि 80% कर्मचारी ड्यूटी से नदारद थे और खुद आरटीओ दिनेश गैर हाजिर थे। सीएम धामी ने आरटीओ के कर्मचारी से पूछा कहाँ है आरटीओ, कर्मचारी ने जवाब दिया सर आ जाते हैं वो रोज सुबह सुबह, मगर आज लेट हो गए। सीएम का जवाब सामने से आया, 15 मिनट में आ जाए तो ठीक वरना सस्पेंड कर दो। यकीन नहीं होता तो खुद ही सुन लीजिए क्या कुछ कहा सीएम साहब ने। इसमें बड़ा एक्शन जो है इस पर एक तो आरटीओ को सस्पेंड ही कर दीजिए और इनकी जो भी लोग नहीं आए उनकी सैलरी रोक दीजिए। ये हमारा प्रमुख स्थान है और यहाँ पर जो है इस प्रकार की लापरवाही जो ठीक है तो देख लीजिए कड़ाई से इसको। जी, ना सिर्फ आरटीओ सस्पेंड हुए बल्कि गैर हाजिर कर्मचारियों की सैलरी रोकने के आदेश भी लगे हाथ मुख्य सचिव को फोन करके सीएम धामी ने दे दिए। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को कहा तुरंत कार्रवाई करो,
चलिए अब जान लीजिए कि सीएम धामी ने आरटीओ में छापा क्यों मारा, क्या वजह रही कि सिर्फ आरटीओ में जाकर सीएम धामी को यूं छापा मारना पड़ा। मुख्यमंत्री को आरटीओ कार्यालय में अनियमितताओं की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर सीएम धामी लगातार नजर रखे हुए थे। खबरें ये भी हैं कि विभागीय सूत्र बताते हैं कि अभी कई और अवसर पर गाज गिर सकती है। तो यानी साफ है कि स्टाइल योगी का मगर असर उत्तराखंड में हो रहा है। अगर वाकई में योगी के स्टाइल पर सीएम धामी काम कर रहे हैं, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले वक्त में धामी का धमाल आगे भी यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।